आईपीएल 2024 के 16वें मैच में ईशांत शर्मा ने केकेआर के खिलाफ आखिरी ओवर में ऐसी बॉल डाली जिस पर विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल चारों खाने चित हो गए। केकेआर की पारी के 20वें ओवर में ईशांत शर्मा ने पहली बॉल 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। रसेल के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं था, वह सीने के बल पर सीधे जमीन पर आ गिरे। इस दौरान तीनों स्टंप्स बिखर गए। इससे पहले आंद्रे रसेल ने विस्फोटक पारी खेलते हुए 19 बॉल पर 43 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के जमाए। मैच में उनके हमवतन साथी सुनील नारायण ने भी तूफानी पारी खेलते हुए मात्र 39 गेंद पर 85 रन बना डाले। नारायण ने पारी में 7 चौके और 7 छक्के मारे। वहीं अगर बात करें ईशांत की, तो ईशांत शर्मा मैच में अपने चारों ओवर्स में महंगे साबित हुए। अपने पहले ही ओवर में उन्हें 26 रन पड़े। ईशांत शर्मा ने अपने 4 ओवर में 14.33 की इकनॉमी से 43 रन लुटा दिए। सुनील नारायण ने ईशांत के खिलाफ जमकर चौके छक्के लगाए, हालांकि आखिरी ओवर में उन्हें 2 विकेट मिले। इसी तरह सुनील नारायण और आंद्रे रसेल की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल बना दिया।